विवेकानंद जयंती पर हुआ रक्तदान शिविर, रेलवे यूनियन की ओर से रखा गया शिविर, बड़ी संख्या में युवाओं ने किया रक्तदान। विवेकानंद जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, रेलवे यूनियन की ओर से शिविर रखा गया। रेलवे यूनियन के अधिकारी ने कहा कि शिविर में हुआ रक्तदान अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा व अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पूरे राष्ट्र के अंदर, आज उस उपलक्ष्य में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की हमारे कारखाना की जो यूथ विंग है उसके द्वारा सुबेरे 9:30 बजे से यहाँ यूनियन कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने टारगेट ये रखा है कि 200 से 225 यूनिट ब्लड कलेक्ट करके हम मित्तल हॉस्पिटल और रेलवे हॉस्पिटल को दान करने वाले हैं। और साथ ही विवेकानंद जी ने जो युवाओं के लिए संदेश दिया था उस पर संगोष्ठी भी रखी है और शाम को एक वाहन रैली जो कि एक अलग ही पूरे शहर के अंदर साफे बांध करके विवेकानंद जी की स्टाइल के अंदर और वो पूरे शहर में निकाली जाएगी और फिर सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में एक सांस्कृतिक संध्या का हमने आयोजन किया है, वहाँ इसका समापन हम लोग करने वाले हैं। समापन में हमारे महामंत्री साथी मुकेश माथुर हमारे बीच में होंगे, मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री आर के मुंदड़ा जी भी हमारे बीच में होंगे और वहाँ आज सुबेरे जो क्रॉस कंट्री की गई है उसमें पारितोषिक फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो है वो शाम को वितरण किया जाएगा। भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।